नमस्कार, आज दिन भर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। आइए सबसे पहले रुख करती हूं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर में भाजपा पार्टी कार्यालय वीर कमल के आसपास लगे गंदगी के ढेर, स्वच्छता अभियान को दिखाया जा रहा ठेंगा। गांधी चौक पर चालान काटने पर भड़का युवक, करीब एक घंटे तक जमकर किया ड्रामा। केसीसीबी के पूर्व चेयरमैन रसील सिंह मनकोटिया ने केसीसीबी के वर्तमान कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, बैंक में धांधली और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज, वर्सेस डॉक्टर राकेश बबली ने की टिकट की दावेदारी। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर के गांधी चौक पर दोपहर के समय माहौल गर्मा गया, जब नशे में धुत बाइक सवार का पुलिस ने चालान काट दिया और बाइक सवार ने अपनी बाइक को 20 सड़क पर खड़ा करने के बाद काफी समय तक ड्रामा किया। इसी बीच एक पत्रकार ने जब अपने मोबाइल से इस घटना को कैमरे में कैद करना चाहा तो बाइक सवार उससे भी उलझ पड़ा। इतना ही नहीं, बाइक सवार ने वीडियो बनाने से भी मना किया और मोबाइल को छीनना चाहा। मामला तब और बढ़ गया जब पत्रकार ने बाइक सवार को थप्पड़ जड़ दिया, जिस पर बीच बचाव में पुलिस भी पहुंच गई। हमीरपुर के गांधी चौक पर दोपहर के समय माहौल गर्मा गया, जब नशे में धुत बाइक सवार का पुलिस ने चालान काट दिया और बाइक सवार ने बाइक को 20 सड़क पर खड़ा करके ड्रामा किया। इसी बीच एक पत्रकार ने जब अपने मोबाइल से इस घटना को कैमरे में कैद करना चाहा तो बाइक सवार उससे भी उलझ पड़ा। इतना ही नहीं, बाइक सवार ने वीडियो बनाने से मना किया और मोबाइल को भी छीनना चाहा। मामला तब बढ़ गया जब पत्रकार ने बाइक सवार को थप्पड़ जड़ दिया, जिस पर बीच बचाव में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। करीब आधा घंटा तक चले इस ड्रामे के दौरान बाइक सवार पुलिस और पत्रकारों को गालियां और धमकियां देता रहा। वहीं पुलिस ने भी आकर युवक को पकड़ा और मामले को शांत करवाने की कोशिश की। इस दौरान काफी संख्या में भीड़ गांधी चौक पर जमा हो गई। स्वच्छता का संदेश देने वाली पार्टी बीजेपी के हमीरपुर कार्यालय पीर कमल के आसपास झाड़ियों का साम्राज्य है तो कार्यालय के बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसे देखकर पार्टी के सिद्धांतों पर अमल करने वाली बातों पर प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। हमीरपुर बस अड्डे के पास बनाए गए पार्टी कार्यालय वीर कमल के बाहर गंदगी पसरी हुई है और झाड़ियों का साम्राज्य है, लेकिन जब इस बारे में बीजेपी मंडला अध्यक्ष बलदेव धीमान से बात की गई तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि पार्टी कार्यालय के साथ लगती जमीन किसी और की है। स्वच्छता का संदेश देने वाली पार्टी बीजेपी के हमीरपुर कार्यालय के आसपास झाड़ियों का साम्राज्य है तो कार्यालय के बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसे देखकर पार्टी के सिद्धांतों पर अमल करने वाली बातों पर प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। हमीरपुर बस अड्डे के पास बनाए गए पार्टी कार्यालय वीर कमल के बाहर गंदगी पसरी हुई है और झाड़ियों का साम्राज्य है, लेकिन जब इस बारे में बीजेपी मंडला अध्यक्ष बलदेव धीमान से बात की गई तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि पार्टी कार्यालय के साथ लगती जमीन किसी और की है। बीजेपी मंडला अध्यक्ष बलदेव धीमान ने कहा कि पार्टी कार्यालय के साथ लगती जमीन किसी और की है और इस कारण सफाई वहाँ पर नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कार्यालय के अंदर सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाती है। जमीन बाहर लोगों की है, जहाँ तो जहाँ बाहर लोगों की जमीन है, नेचुरली वहाँ बस स्टैंड की तरफ से जो सीधी हो जाती है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पार्टी और पार्टी कार्यालय के अंदर जो है वो ग्राइंडिंग व्यवस्था ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। पहले पानी की कमी जरूर थी, वो भी अब उद्घाटन हो गई है। तो बाकी जो बाहर की गंदगी है वो बाहर लोगों की जमीन की गंदगी है, पार्टी और उसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है और प्रदेश में इस तरह की हालत है और अपने आप जो आदमी अपने घर को मतलब साफ सुथरा नहीं रख सकते हैं वो बाहर के घर से क्या गंदगी देखी है? मतलब आप देख ही सकते हैं खुद की, मतलब पार्टी ऑफिस की क्या हालत है और ऊपर पानी की सुविधा नहीं है किसी चीज की, नहीं कोई आदमी आया। यहाँ पे मीटिंग रखी हुई थी आज भी पंडित दीनदयाल जी की, इसमें जन्मदिन पे, तो मतलब सफाई का कोई ये नहीं है, सिस्टम नहीं है, पानी की सुविधा ऊपर नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है, पार्टी के कार्यकर्ता रहे उनको परेशानी हो रही है, किसी ने टॉयलेट जाना कहाँ जाना, सुधार किया जाए। मैंने मंडल अध्यक्ष जी से भी बात करी थी इस बारे में,
तो मतलब उन्होंने भी बात को गोलमोल करने की कोशिश करी, तो मुझे बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी करूँगा कार्यक्रम में वक्त हो चला, छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आरजे फैशन पॉइंट हमीरपुर, जहां आप पा सकते हैं पहली बार स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस। आरजे फैशन पॉइंट, जहां उपलब्ध है स्कूल कॉलेज की ड्रेसेस, शर्ट पैंट स्कर्ट एंड स्कूल बैग्स, फुल एंड हाफ कोट ब्लेजर जैकेट एंड किंडर गार्मेंट्स। साथ ही रेडीमेड में उपलब्ध है अनारकली सूट कुर्ता और बच्चों के लिए ड्रेसेस की विभिन्न वैरायटीज। तो स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस के लिए कहीं और क्यों जाना, सिर्फ आरजे फैशन पॉइंट में ही आना। हमारा पता है आरजे फैशन पॉइंट, अपोजिट दीप एंड कंपनी, नियर सब्जी मंडी हमीरपुर। हमारा नंबर है 9817320738। आरके हॉस्पिटल हमीरपुर अब नई और एक्सपर्ट्स डॉक्टर की अनुभवी टीम ला चुका है आपके शहर हमीरपुर में। डॉक्टर रवि वर्धन, प्रोपराइटर आरके हॉस्पिटल, डॉक्टर संजीव शर्मा एमएस ऑर्थो, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव एमएस गायनी, डॉक्टर एमएन कमाल एमडी पीडियाट्रिक, डॉक्टर केतन फिजियोथेरेपिस्ट। विजिटिंग डॉक्टर्स हैं डॉक्टर मोहित वालिया डीएम कार्डियोलॉजी, डॉक्टर सुशील राही डीएम न्यूरोलॉजी एंड डॉक्टर सनी बिर्डी डीएम पल्मोनरी। दिमाग और फेफड़ों की बीमारियों के डॉक्टर हर महीने के पहले शनिवार को, साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ हर महीने के पहले बुधवार को, साथ ही आरके हॉस्पिटल में हड्डी की चोट या फ्रैक्चर का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, इमरजेंसी सिजेरियन, बच्चों के विशेषज्ञ, NICU, PICU जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध, 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा। आरके हॉस्पिटल नाउ ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, ऑपोजिट संत निरंकारी भवन, नियर हथली ब्रिज, भोटा रोड, हमीरपुर। रोहित ट्रेडिंग कंपनी सुजानपुर, हमारे यहाँ उपलब्ध है अंबुजा सीमेंट, जो आपके घर व दीवारों को बनाए मजबूत। घर की छत को मजबूत व सुंदर बनाने के लिए हमारे यहाँ हर तरह की कलरफुल सीट है उपलब्ध, जो आपके घर की छत को बनाए आकर्षक। हम देते हैं अपने सामान की पूरी गारंटी। हमारे यहाँ आप पाएंगे TMT सरिया, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ टाटा टिस्कॉन। हो बातें सपनों की, लो अपनों की एडवाइस, हो बातें प्यार की, सोचो ना तो ट्वाइस, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, हो खुशियाँ अपनों की, बनो थोड़ा वाइस। टाटा टिस्कॉन अटूट जोड़ के साथ, इंडिया बोले लाइफ में नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। घर की चार दीवारी के लिए ले जाएं एंगल पत्ती, आपके घर की छतों को निखारने के लिए कलर सीट के साथ GI सीट की भी है भारी रेंज। इसके साथ ही आप पाएंगे PVC पाइप्स, GC पाइप्स, हर तरह की पानी की भी टंकियों की है भारी रेंज। सुंदर घर स्वपन आपका, सहयोग हमारा। अपने घर के सपनों को साकार करने के लिए आज ही पधारें रोहित ट्रेडिंग कंपनी, नियर ब्यास ब्रिज, आलमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हमारा नंबर है 9816452118163351414। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। KCCV के पूर्व चेयरमैन रसील सिंह मनकोटिया ने KCCV के वर्तमान कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। रसील सिंह मनकोटिया ने पिछले 7 सालों में बैंक में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मनकोटिया ने बैंक में भर्तियों को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और कई ब्रांचों में फजूल ATM लगाए जाने का आरोप लगाया है। KCCV के पूर्व चेयरमैन रसील सिंह मनकोटिया ने KCCV के वर्तमान कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। रसील सिंह मनकोटिया ने पिछले 4 सालों में बैंक में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाया है। मनकोटिया ने बैंक में भर्तियों को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और कई ब्रांचों में फजूल ATM लगाए जाने का आरोप लगाया है। रसील सिंह मनकोटिया ने बैंक के वर्तमान चेयरमैन
जगदीश सिपहिया के उस बयान की कड़ी निंदा की है जिसमें अपने चहेतों को लोन देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि गत दिनों हमीरपुर में हुई स्कीमों की लॉन्चिंग भी मात्र सोसा क्योंकि ये स्कीमें काफी समय से चल रही हैं। रसील सिंह मनकोटिया ने कहा कि धूमल सरकार के समय में कोई फजूल खर्ची नहीं की गई थी, लेकिन आज के समय में बैंक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और करोड़ों रूपए के लाभ अपने चहेतों को दिए जा रहे हैं। उन्होंने सिपहिया से आग्रह किया कि बैंक के भले के लिए लेन देन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएं क्योंकि बाहरी लोगों को भी लोन दिया जा रहा है और बैंक भर्ती में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले चार वर्षों में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक जहां भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और गलत प्रबंधन के कारण सुर्खियों में रहा है, वहीं पर इन चार सालों में इस बैंक ने फजूल खर्ची के मामले में सारी हदें आज तक की पार कर दी है, जिनमें इन चार वर्षों में लगातार विदेशी टूर, लगातार नई नई गाड़ियां खरीदना और मुख्यमंत्री राहत कोष में करोड़ों रुपए का देना, जिसके कारण बैंक में बहुत ज्यादा फजूल खर्ची हो रही है। जहां छोटी छोटी ब्रांचों में ईटीएम का भार, छोटी छोटी ब्रांचों में दो दो नोट अकाउंटिंग की मशीन ने दे देना कहां तक का तरसंगत है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जिस ब्रांच में मात्र दो से चार वोचर पड़ते हों वहां पर एटीएम लगा देना और उस एटीएम का जो खर्चा है वो भी उस ब्रांच पर पड़ रहा है। और अब एटीएम जहां लगाया गया है वहां पर ये गार्ड रखने की तैयारी हो रही है और जो ब्रांचों में जहां मात्र पांच से सात ग्राहक आते हों वहां पर दो दो नई नई अकाउंटिंग मशीनें दे देना कहां का न्याय संगत है, क्योंकि पहले नोट अकाउंटिंग की मशीन 1,85,000 रुपए की दी गई, अब 15,000 रुपए की और नई मशीन दे दी गई जबकि वो लगातार खराब रह रही है। इसके अतिरिक्त जो ऋण पिछले दिनों एक ऋण स्कीमें यहां पर लॉन्च की गई, इस बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ऋण स्कीमों की बात अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं, ये ऋण स्कीमें बैंक में 1990 से ही लागू है, फिर भी इनको नए सिरे से लॉन्च करना है तो अच्छा होता कि उस सेमिनार में व्यापारी भाई, उद्योगपति भाई या अन्य ऋणदाता बुलाए जाते ताकि उन लोगों को स्कीम के बारे में बताया जाता है। वहां पर तो मात्र बैंक के प्रबंधक बुलाए गए, उन्हें टोपियां, उन्हें भोजन खिलाया गया और लाखों रुपए का वहां पर जो है वो खर्चा किया गया है। ये बैंक के लिए बहुत ही हानि वाली बात है, इसलिए मेरा तो यही कहना है कि जहां छोटी ब्रांचें हैं वहां पर ऐसे खर्चे ना डाले जाएं जिसके कारण बैंक जो है वो घाटे में चले। विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टिकट के चाहवान प्रत्याशी लोगों से मिलकर उन्हें लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। बरसर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर राकेश बबली ने अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने बताया कि लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने पूरी उम्मीद जताई है कि इस बार बरसर से टिकट मिलने की उन्हें पूरी उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि भाजपा हाईकमान किसको बरसर की टिकट देती है। वहां की जनता के साथ जो वहां के स्थानीय मुद्दे हैं, वहां की समस्याएं हैं, और दूसरा विषय कि वहां का जो एक जनसंपर्क अभियान के दौरान हम सभी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करें स्थानीय जनता से, तो बहुत जो समस्याएं हमारे इस जिला का जो बरसर विधानसभा क्षेत्र है वो समस्याओं से घिरा पड़ा है। तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों की दुर्दशा हो, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, ऐसे इन सारे मेजर इश्यूज के ऊपर मैं लगातार गांव-गांव जाकर और पिछड़े क्षेत्रों में, पिछड़ी पंचायतों में लगातार जनसंपर्क अभियान के दौरान सारी जनता के साथ मिल रहा हूं और वहां के सारे मुद्दों को जनता के माध्यम से आगे प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कार्यकर्ता के रूप में। हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे चाहे विपक्ष के नेता हैं, लंबे समय से इन लोगों के साथ हमारा बहुत संपर्क है, और इनका जो दूरदृष्टि है और संगठन में कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का जो इनका हमेशा संकल्प रहता है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा प्रदेश का नेतृत्व ऐसे हमें एक कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का मौका देगा, ऐसी उम्मीद है। तो ऐसा ये कांग्रेस के आरोप गलत हैं, क्योंकि वो 5 वर्षों में बुरी तरह नाकाम रहे हैं और जनता उनको अब नकार रही है, तो वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। धूमल जी के नेतृत्व में जब वो यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, हमारे क्षेत्र में बहुत सी बड़ी बड़ी योजनाओं को अंजाम दिया गया, तो स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के साथ, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं क्षेत्र की महिलाएं हैं पिछड़े क्षेत्र के, उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिलें। और दूसरा विषय सड़कों की जो दुर्गति है, बहुत बुरा हाल है। जो हमारे क्षेत्र की हार्ट लाइन है, बड़सर से हमारा बल्ठी का रोड हो चाहे सलौनी से देवसिद्ध का रोड हो, ये दोनों हार्ट लाइन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी हैं, जो पिछले 30 वर्षों से उसी स्थिति में हैं। तो हम शिक्षा, सड़कें और स्वास्थ्य, ये 3 विषय हमारे प्राथमिकता के रहेंगे अगर हमें नेतृत्व करने का मौका मिलता है। यही है कि आने वाले समय में जो हमारे सारे देश के अंदर देश को नेतृत्व मिला है माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, तो उनके सारे जो कार्य देश के अंदर चल रहे हैं, प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके और बड़सर में भी भारी मतों से हमारे सारे कार्यकर्ता और देश के प्रधानमंत्री के इन सारे कार्यों को और ताकत मिलेगी अगर हिमाचल प्रदेश में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। हमीरपुर में रिश्तों को तार तार करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें जीजा ने अपनी साली का 6 सालों तक शारीरिक शोषण किया है और मना करने पर बदनाम करने की धमकी दी है। साथ ही जीजा ने साली के अश्लील वीडियो बनाए और साली के अश्लील वीडियो को फोटो भी इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। साली की शादी के बाद भी दोबारा से जीजा ने अवैध संबंध बनाने की मांग की, तो हिम्मत करके साली ने हमीरपुर थाना में उनकी शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। हमीरपुर में रिश्तों को तार तार करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें जीजा ने अपनी साली का 6 सालों तक शारीरिक शोषण किया और मना करने पर बदनाम करने की धमकी दी। साथ ही जीजा ने साली के अश्लील वीडियो बनाए और साली के अश्लील वीडियो फोटो भी इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। साली की शादी के बाद दोबारा से जीजा ने अवैध संबंध बनाने की मांग की, तो हिम्मत करके साली ने हमीरपुर थाना में इसकी शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पालमपुर जिला कांगड़ा निवासी युवती ने हमीरपुर के नजदीक पड़ने वाली अणुकला के निवासी श्याम सुंदर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वर्ष 1998 में माता पिता की हादसे में मौत होने के बाद अपने ताया के साथ पालमपुर में रहती थी, लेकिन बड़ी बहन की शादी के बाद 2008 में अपनी बहन के घर अणुकला में रहने लगी। इस दौरान वर्ष 2013 से लगातार जीजा ने दुष्कर्म किया। रिपोर्ट के अनुसार जीजा ने युवती का वीडियो भी बनाया और संबंध बनाने में मना करने पर वीडियो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देता था, जिस कारण युवती को मजबूरन जीजा की बात माननी पड़ती। हालांकि युवती की शादी 2016 में जम्मू कश्मीर में होने के बाद भी जीजा ने तंग करना बंद नहीं किया और शादी के बाद भी दुष्कर्म करता रहा, जिस कारण युवती मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान रही है। साली ने आज अपने जीजा के खिलाफ पुलिस थाना में जाकर मामला दर्ज किया है। एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने पुष्टि करते हुए बताया कि साली की रिपोर्ट पर जीजा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 10 साल सफलतापूर्वक दुलेड़ा ऊना में कम्प्लीट करने के बाद पूरी फर्नीचर हाउस अब आपके शहर हमीरपुर में मट्टन सेठ हनुमान मंदिर के सामने दे रहा है अपनी सेवाएं। अपने घर को ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए आज ही आएं पूरी फर्नीचर हाउस हमीरपुर और ले जाएं बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर, जो आपके घर की सुंदरता में लगा दे 4 चांद। आपकी सुविधा के लिए सागवान लकड़ी से तैयार करवाए जाते हैं सोफा कम बेड, दीवान कम बेड, डाइनिंग टेबल, चेयर, अलमीरा की भारी रेंज। आपके ऑफिस को नए लुक देने के लिए हम देते हैं गारंटी के साथ डिजाइनर रिवॉल्विंग चेयर, सेलो प्लास्टिक चेयर व ऑफिस की हर जरूरत का सामान। साथ ही हमारे यहाँ उपलब्ध है गोदरेज के गद्दे, तो दीजिए अपने घर व ऑफिस को नई लुक पूरी फर्नीचर हाउस के साथ। हमारा पता है पूरी फर्नीचर हाउस नियर हनुमान मंदिर मटन सेठ हमीरपुर।
हमारा नंबर है 9816562762 8892339390। ठाकुर द्वारा गौशाला समिति वर्ष 2001 से लावारिस बेसहारा तथा पीड़ित गाय की कर रही है देखभाल। कमेटी के अथक प्रयासों, दानदाताओं के सहयोग से पीड़ित गौधन को बचाने का किया जा रहा है प्रयास। कमेटी द्वारा लावारिस पीड़ित व बेसहारा गौओं की जाती है सेवा। गौशाला में गाय का घी, अर्क व पंचगव्य से निर्मित धूप दवाइयां भी हैं उपलब्ध। गौशाला में किसानों के लिए वर्मिंग खाद भी की जाती है तैयार। गौशाला में गौ पूजन, गौदान, तुलादान, शनि, नवग्रह व नवरात्रों पर पूजा पाठ का किया जाता है विशेष आयोजन। दानी सज्जन गौशाला में दान करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर दान कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई दान राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में भी दी जाती है छूट। तो आज ही आए ठाकुर द्वारा गौशाला समिति जमली धाम और बने पुण्य के भागी। गणपति इंटरप्राइजेस लावा मोबाइल हमीरपुर, हमारे यहाँ उपलब्ध हैं लावा के हर तरह के मोबाइल। हमारे यहाँ लावा मोबाइल होलसेल और रिटेल किए जाते हैं। ग्राहकों की हर सुविधा का रखा जाता है खास ख्याल। हमारे यहाँ लावा मोबाइल का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर उपलब्ध है। यहाँ पर ग्राहकों को दी जाती है बेहतरीन सर्विस। दुनिया का जाना माना नाम लावा मोबाइल। तो आप चाहते हैं मैं लोगों को बोलूं कि आपका फोन बहुत रिलायबल है? सर, लावा का हर फोन हजारों टेस्ट से होकर गुजरता है। मैं कैसे मानूं? सर, आप खुद एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। ओहो, गलती से ले लिया। टूटा तो नहीं? नो सर, हमने इसके लिए भी टेस्ट किया। जस्ट वन ऑफ द 1000 टेस्ट्स दैट मेक लावा फोन्स सो रिलायबल। ऐसा कोई टेस्ट जो आपने नहीं किया? सर, वो आपकी कैचिंग का। यार, लोगों को ये बोलने से पहले कि आपके फोन्स रिलायबल हैं, I have to be sure। वैसे लावा का हर फोन हजारों टेस्ट से गुजरता है। एक्स्ट्रा टॉवल लाना चाहिए था, कॉल करके मंगवा लेंगे। ओह नो, फोन अंदर ले आया, खराब हो जाएगा। नो सर, इसके लिए भी टेस्ट किया सर। जस्ट वन ऑफ द 1000 टेस्ट्स दैट मेक लावा फोन्स सो रिलायबल, नेवर लेट्स यू डाउन। जब भी लेना हो लावा मोबाइल, आए गणपति इंटरप्राइजेस हमीरपुर। हमारा पता है गणपति इंटरप्राइजेस न्यू रोड ऑपोजिट इलाहाबाद बैंक हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816789389 9805816833। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के अनु में प्रसार भारती और राजेंद्रा लोटस पब्लिक स्कूल के बच्चों ने रैली निकालकर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। स्कूली बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर व नारों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और अपने आसपास सफाई रखने का संदेश दिया। हमीरपुर के अनु में प्रसार भारती और राजेंद्रा लोटस पब्लिक स्कूल के बच्चों ने रैली निकालकर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। स्कूली बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर व नारों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और अपने आसपास सफाई रखने के संदेश दिया। इस अवसर पर प्रसार भारती और स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। बच्चों ने चिल्ड्रन पार्क हीरानगर में भी सफाई की और पार्क में उगी झाड़ियों को भी उखाड़ा। आकाशवाणी हमीरपुर के सदस्य करणवीर सिंह ने बताया कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि हम अपने आसपास सफाई रख सकें। साथ ही लोगों को पर्यावरण के बारे में भी जानकारी दी जा रही है कि पर्यावरण को किस तरह से साफ सुथरा रखा जा सकता है। दो बातें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत बड़ा इशू है और साथ साथ में क्लाइमेट चेंज जो है वो भी बहुत बड़ा इशू है। ये पहाड़ों का एरिया है, जिस तरह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे एनवायरमेंट की है या क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स हैं, एक तो इसका पूरे संसार के संदर्भ के साथ ये जो है जुड़ाव रखता है, और दूसरी जो बात है, क्योंकि ये फ्यूचर के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए आज हमने ये बच्चों को यहाँ पे इनकी उन इश्यूज के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया है कि सो दैट कि जो हमारा फ्यूचर है, जो आने वाली जनरेशन का फ्यूचर है, उसको हम लोग सेव कर सकें। बच्चों में अवेयरनेस होगी तो नेचुरल है कि ये समस्याएं जो हैं वो बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग हल कर पाएंगे। तो इतना सा ही मुझे आज आपसे।
वहीं स्कूली बच्चों ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया कि एक पेड़ काटने के स्थान पर हमें 10 पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार कर पाएं और अपने वातावरण को स्वच्छ रख पाएं। मैं आज आपको स्वच्छता के ऊपर कुछ पंक्तियाँ बताने जा रही हूँ। जैसे कि आजकल नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वच्छता के ऊपर कई अभियान चलाए हैं, हमें भी उनके ऊपर गौर करना चाहिए तथा अपने आसपास सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी के बर्थडे या उनकी शादी पर उन्हें महंगा से महंगी गिफ्ट ना देकर उन्हें एक पौधा लगाने के लिए कहना चाहिए। अगर हम एक पौधा काटते हैं तो हमें 10 और लगाने चाहिए। मैं ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में देना चाहती हूँ कि हमें एक पौधे को काट कर 10 और लगाने चाहिए। और मैं आज आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में एक अभियान शुरू किया जिसका नाम स्वच्छ भारत अभियान से जाना जाता है। इस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी की 150वीं सालगिरह जो 2019 में पूरी होने वाली है, तब तक हम इस अभियान को पूरा करें और अपने पूरे वातावरण, पूरे आसपास के वातावरण को, अपने पूरे देश को स्वच्छ बनाएं। अगर हम अभी अपने वातावरण को स्वच्छ नहीं रखते हैं तो हमारे आने वाला भविष्य है उसके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि स्वच्छ रहें और स्वच्छ भारत बनाएं। धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर में भाजपा पार्टी कार्यालय वीर कमल के आसपास लगे गंदगी के ढेर, स्वच्छता अभियान को दिखाया जा रहा ठेंगा। गांधी चौक पर चालान काटने पर भड़का युवक, करीब एक घंटे तक जमकर किया ड्रामा। केसीसीबी के पूर्व चेयरमैन रसील सिंह मनकोटिया ने केसीसीबी के वर्तमान कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, बैंक में धांधली और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज, वर्सेस से डॉक्टर राकेश बबली ने की टिकट की दावेदारी। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एस्ट्रोडे के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। आइए सबसे पहले जो प्रदेश, देश और विदेश से राजनीति, खेल और मनोरंजन की दुनिया की हर खबर दर्शकों तक पहुंचाने का वादा करता है कि हर खबर पर होगी पहली नजर। जानिए आज दिन भर कहां क्या हो रहा है, क्या है शहर, जिला और प्रदेश का हाल, क्या रही दिन भर की प्रमुख गतिविधियां, आपको रखे हमेशा अपडेट। एच टुडे, आज दिन भर। नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। आइए सबसे पहले चाहे हो आपकी कोई समस्या या फिर मिलना हो हर दिन किसी नई हस्ती से, मनोरंजन हो या फिर जानना हो अपना भविष्य पल, एच टुडे रखेगा आपको हमेशा अपडेट। हमारा प्रयास सरकार व जनता तक पहुंचाना सही आवाज। देखते रहिए आपका अपना चैनल एच टुडे। एच टुडे, नजदीक गांधी चौक हमीरपुर।